नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। शनिवार को फागु चौहान का नाम अचानक से सुर्खियों में आ गया। फागु चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। अगर आप बिहार से हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के नए राज्यपाल फागु चौहान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। फागु चौहान 1985 में पहली बार दलित मजदूर किसान पार्टी से विधायक बने थे। यूपी के चौहान समाज के नेता फागु चौहान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। फागु चौहान मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से 6 बार जीत दर्ज करने वाले एकमात्र विधायक हैं। वो पहली बार 1985 में दलित मजदूर किसान पार्टी से विधायक बने थे। इसके बाद वह कई पार्टियों में रहे और विधानसभा के चुनाव लड़े और जीते भी। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हराया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा घोसी लोकसभा सीट हार गई। फागु चौहान को योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन भी बनाया। चौहान वोटों की मऊ में अच्छी तादाद है और फागु चौहान की उन वोटों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है, जिसके दम पर वह रिकॉर्ड 6 बार चुनाव जीते। चौहान समुदाय से आने वाले फागु चौहान का जन्म आजमगढ़ के शेखपुरा में 1948 में हुआ। अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए वो दलित मजदूर पार्टी से घोसी विधानसभा से 1985 में विधायक बने। इसके बाद जनता दल में चले गए। जनता दल के टिकट पर वह 1991 में विधायक बने। इन्होंने फिर बीजेपी का दामन थामा और 1996 व 2002 में बीजेपी से घोसी लोकसभा से विधायक चुने गए। 2 बार विधायक बनने के बाद भाजपा छोड़ या बसपा में आ गए और 2007 में बसपा के टिकट पर घोसी से विधायक चुन लिए गए। हालांकि उन्होंने बसपा का साथ भी छोड़ा और वापस बीजेपी में आ गए। 2017 के चुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर बसपा प्रत्याशी और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कड़े मुकाबले में 7,003 वोटों से हरा दिया। फागु चौहान उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री के साथ साथ कई मंत्री भी रह चुके हैं। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, लखनऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ। डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।